ही पहनने पर फंस सकती हैं कंगना रनौत। शिवसेना से तूतू मैमे के बीच कंगना रनौत अपने दफ्तर में हुई टूट फूट का जायजा लेने के लिए मुंबई के पाले हिल पहुंची। इससे पहले 9 सितंबर को बीएमसी ने अवैध निर्माण का आरोप लगाकर कंगना के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की थी। कंगना वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा के घेरे में अपने दफ्तर का हाल जानने के लिए पहुंची। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली और उनका वकील भी था। बिना मास्क के पहुंची कंगना। दफ्तर पहुंची कंगना कभी भावुक दिखी तो कभी गुस्से में, लेकिन इस विजिट के दौरान उन्होंने अपनी सेहत की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। कंगना ने दफ्तर पहुंचते ही कोरोना काल के लिए कंपलसरी किया गया मास्क नहीं लगा रखा था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन नहीं किया गया। कंगना का ऑफिस मणिकर्णिका मुंबई के पाले हिल में है, जहां वो करीब 10 मिनट तक रही। कंगना की बहन रंगोली कल की तरह आज भी बिना मास्क के नजर आई। कंगना को भले ही 14 दिन के लिए क्वारंटीन नहीं किया गया है, लेकिन नियमों का पालन नहीं करने पर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 2 करोड़ का नुकसान। कंगना को बीएमसी की तोड़फोड़ के कारण अपने ऑफिस को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। कंगना ने ऑफिस खरीदने में करीब 48 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसमें तोड़फोड़ के दूसरे दिन कंगना वकीलों के साथ हालात का आकलन करने के लिए पहुंची। कंगना ने इस नुकसान का अंदाजा लगाया। माना जा रहा है कि दफ्तर में तोड़फोड़ से कंगना को करीब 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। कंगना के खिलाफ FIR दर्ज। दफ्तर तोड़े जाने के मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में बीएमसी ने अपना जवाब दाखिल किया। इसके बाद कंगना के वकील ने कोर्ट से कुछ वक्त मांगा। मामले की सुनवाई अब 22 सितंबर को होनी है। हालांकि इस बीच कंगना पर महाराष्ट्र के सीएम के लिए अपशब्द कहने पर विक्रोली पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करवाई गई है। कंगना को 14 दिन के होम क्वारंटीन नहीं किया गया। कंगना का ऑफिस तहस नहस किए जाने के बाद शिवसेना के मुखपत्र में फिर से पलटवार किया गया, जिसमें लिखा है उखाड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना 14 सितंबर तक वापस मनाली जा सकती है, इसलिए उन्हें बीएमसी ने 14 दिन के होम क्वारंटीन मुद्दे पर नहीं घेरा, वरना उनका ऑफिस पहुंचना लगभग असंभव था। कूल में दुनिया के हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।